हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th, साहित्यिक किरणा बुक। हाँ जी, असी कर रहे हैं जी गुरु उपदेश कविता। इस कविता दे कवि हन पवन हरचंदपुरी। इस कविता दे विच कवि ने दसां गुरुआं द्वारा दिते हुए उपदेशां दा वर्णन किया है अते दस्या है कि साढ़े पहले गुरु तो लैके दसवें गुरु तक जो सिक्खी दी जोत वाली है, इस जोत दे विच उन्होंने कुछ उपदेश रखे हैं कि हर सिख का फर्ज बनता है कि वह अपने धर्म दे विच रह के चंगे कर्म करे, किसी दूसरे मनुख ते अत्याचार ना करे, दसां नौहां दी किरत कमाई करे ते अपनी किरत कमाई दे विचों दसवंध जरूर कढ़े। इसलिए इस कविता दे विच पवन हरचंदपुरी ने जो लिखा है उस बारे विचार की गई है। हाँ जी, नैक्सट है गऊ गरीब ते औरत दी करो राखी। इस कविता दे विच कवि ने लिखा है कि जो साढ़े दस गुरु हैं उन्होंने सानू यही उपदेश दिता है कि गऊ गरीब ते औरत दी राखी करनी चाहिए है, भाव ना तो गऊ ते अत्याचार करना चाहिए है अते ना गरीब ते ना ही औरत दी, इन्हां तिन्नां दी की करनी चाहिए है, रखवाली करनी चाहिए है। हाँ जी बेटा, नैक्सट जबर जुलम दे कदी नहीं राह पैना, लालच विच आ धीआं वेचणा ना। हाँ जी, साढ़े गुरुआं ने सानू ये उपदेश दिता है कि जबर जुलम भाव अत्याचार दे सानू कदे भी राह नहीं पैना चाहिए, कदे भी किसी ते अत्याचार नहीं ढाउणा चाहिए, लालच विच आ धीआं वेचणा ना, भाव सानू अपने धीआं दा मुल नहीं लाउणा चाहिए, मूहों मंग के कदे भी कदे ना दाज लैणा, ना ही सानू कदे दाज मंगना चाहिए है ते ना ही सानू कदे दाज लेना चाहिए ते ना ही सानू धीआं नू दाज दे के उस उन्हां दे गुणा दा मुल पाउणा चाहिए, ना कि उन्हां दी कीमत लाउणी चाहिए। इस करके सानू साडे गुरुआं ने यह सब करन तो वरजिया है। फश्ता जुल्म दा वढ़ना है जिसने ऐसा रूप शिंगारिया खालसे दा। हाँ जी, गुरु गोबिंद सिंह जी कहिंदे हन कि मैं मनुखता जाति नू एक नवा धर्म एक नवा रूप दिता है। फश्ता, फश्ता हुंदा है खात्मा करना, जुल्म अत्याचार दा वढ़ना है जिसने, जुल्मां दा अत्याचार दा जिन्हें नाश करना है, ऐसा रूप शिंगारिया खालसे दा, मैं सिख धर्म दा एक नवा रूप बनाया है जो कि करेगा जुल्मां दा अत्याचारां दा नाश करेगा, शर्म धर्म वाला चंगे कर्म वाला। जिहड़ा सिख धर्म है इहदे विच शर्म भी है धर्म भी है, भाव जो मनुख ने अमृत धारी है जो मनुख उहदे विच शर्म भी है और धर्म अपने राह ते चंगे कम करन दा जो धर्म है उस विच गुण भी है, चंगे कर्म वाला चंगे कम्मां नूं करन वाला। मैं नवा रूप निखारिया खालसे दा, मैं एक अजिहे धर्म दा अजिहा रूप बनाया है, अजिहा नवा रूप शिंगारिया है जिस विच धर्म भी है शर्म भी है ते कर्म भी है, भाव तिन्ने जिहड़े गुण है समाए होए हन एक सिख दे विच। ये सारे गुण होने बहुत जरूरी हन, जो सिख सही सिख है उहदे विच ये सारे गुण है जिहड़े दूर तो ही दिखाई दिंदे हन। पंज बाणियां दे नाल नवाजिया मैं पंजे दे के ककार अज खालसे नूं। हाँ जी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने की कहा कि पंज बाणियां नाल नवाजिया है, मैं किस नूं नवाजिया है, एक सिख नूं, कि एक सिख है जिहड़ा सही सिख है वह सवेरे उठ के इशनान करके पंज बाणियां दा जपजी साहब जप साहब आनंद साहब चौपाई साहब दा पाठ करेगा। पंजे दे के ककार अज खालसे नूं, ककार हुंदे आ पंज जो कक्के नाल शुरू हुंदे जिवें कड़ा कशहरा कृपाण कंघा कड़ा ते केस, ये जिहड़े पंज चीज़ां ये मैं एक खालसे नूं दित्तियां होईयां कि खालसे दे पहनना खालसे लई रखना बहुत जरूरी है। बाणी बाणी ते युद्ध दी पाण चाढ़ी, किस किस चीज़ उत्ते जिहड़ी शक्ति है वह दित्ती हुई है, बाणी ते है, बाणी ते है युद्ध दी पाण चाढ़ी, दे के रजमा प्यार अज खालसे नूं। जो सिख बाणी पढ़ता है
अपने सिक्खी वाला बेस धारण करता है, बाणा पहनता है, उस विच एक अलग तरह की शक्ति है जिहड़ी आ जाती है, दे के रजमा प्यार अज खालसे नूं। गुरु गोबिंद सिंह जी कहिंदे हन कि जदों सिख धर्म की स्थापना की तां इस विच किसी धर्म का किसी जात का किसी पात का कोई भी वितकरा नहीं रख्या गया। हर एक मनुख नूं जो एक खालसा है उसनों रजमा प्यार दिता है, चाहे वह किसी भी जात नाल किसी भी धर्म नाल संबंधित क्यों ना होवे। ते जो सिख है जिहड़ा वह सुबह सवेरे उठ के इशनान करके पंजे बाणियां दी पाणी बाणी पढ़ता है, उस विच एक नवी शक्ति है जिहड़ी आउंदी है, वह हमेशा चढ़दी कला दे विच रहिंदा है। टक्कर लऊ जो जुल्म दे नाल सूरा, युद्धां विच मैं उस दा साथ देना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है कि जो सिख जुल्म दे अत्याचार जो मनुख करता है उस दे नाल सूरा हुंदा है सूरमा। जो सिख अजिहे जो मनुख अत्याचार करता है दूजियां दे उपर, इल्जाम जिहड़े आ ढाउंदा है, उस दे नाल जो सूरमा लड़ेगा, टक्कर लऊगा, उसका नाश करेगा, युद्धां विच मैं उसका साथ देना, मैं हमेशा जदों उस नाल टक्कर लऊगा। ये उह सिख सोच लवे कि गुरु गोबिंद सिंह जी उस दे नाल खड़े हन जो अत्याचारां दे विरुद्ध लड़ेगा। लालो दलित गरीबां दा साथ दे के जालम भूपां नूं हर पल मात देना। लालो दलित गरीबां दा साथ दे के, भाई लालो जो कि एक बहुत ही गरीब सी, गुरु नानक देव जी ने भाई लालो दी जिहड़ी रोटी है उस दे विच्चों की कढ़िया सी, दुध कढ़िया सी, ठीक है। एक सी मलिक भागो, एक सी भाई लालो। भाई लालो सी जो वो हक ते सच दी कमाई करदा सी, ते जिहड़ा मलिक भागो सी वो बहुत ही अमीर सी, गरीबां कोलों कम करवाउंदा सी, खेतां दे विच मेहनत दा मुल नहीं सी दिंदा। जदों गुरु नानक देव जी ने भाई लालो दे घरों लंगर छकिया, मलिक भागो दे घर जदों खाने ते बुलाया गया तां गुरु नानक देव जी नहीं पहुँची, क्योंकि गुरु नानक देव जी नूं पता सी कि जिहड़ा मलिक भागो है इहदी जिहड़ी कमाई है हक सच दी कमाई नहीं है, ते भाई लालो दी कमाई है जिहड़ी दसां नहां दी किरत कमाई है। तो एक रुखी सुखी रोटी तैयार की है भाई लालो ने, तो गुरु नानक देव जी भाई लालो दे घर गए। जदों मलिक भागो ने इस गल का पता लग्या तो उसने बहुत विरोध किया इस गल का, तो उस समय गुरु जी ने उन्होंने सबक सिखाने के लिए एक रोटी जी लालो दे घरों ली, तो दूसरी रोटी मलिक भागो दे घरों ली। जदों दोनों अपने हथ दे विच दोनों हाथों में रोटी लिया, तो जिहड़ी लालो की रोटी उहदे चों दुध निकलिया, तो मलिक भागो की रोटी विचों खून निकलिया। तो इस तरह उन्होंने समझाया कि जिहड़ी लालो की रोटी है वह हक सच दी है। दलित दलित हुंदा पिछड़े हुए वर्ग, कमजोर वर्ग, ते गरीबां दा साथ दे के जालम भूपां नूं हर पल मात देना। मात हुंदा सबक सिखाउणा, जालम अत्याचार करन वाले। तां गुरु जी ने कहा कि सानूं लालो दलित ते गरीबां दा साथ देना चाहीदा है, ते जो अत्याचार मनुख हटाउंदा है उसनूं मात देना चाहीदा, उसनूं सबक उस टाइम सिखा देना चाहीदा है। इक्को बाटे विच अमृत तुसी छकिया, रही जात ना पात अज खालसे दी। गुरु जदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत तैयार किया, तो एक बाटे विच एक भांडे विच अमृत तैयार किया, उस भांडे दे विचों पंज प्यारियां नूं अमृत छकाया, तो उन्होंने रजमा प्यार दिता। जिहड़े ये पंज प्यारे सन ये एक धर्म के नहीं सन, अलग अलग जिहड़े धर्मां नूं ओह संबंधित सन, जिवें कोई सी तरखान, कोई मिस्त्री सी, कोई घुम्यार सी, ठीक है। रही जात ना पात अज खालसे दी, बेटा तो फिर गुरु ना गोबिंद सिंह जी ने जदों आप उस भांडे दे विच्चों अमृत छकिया, पहला उन्हां पंज प्यारियां नूं पूरा रजमा प्यार दिता, तो उन्हां नूं अमृत छकाया, फिर उस बाटे दे विच्चों खुद आप अमृत छकिया। रही जात ना पात अज खालसे दी, ठीक है बेटा। तो ना जात ते ना पात, भाव गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत दी जो जो बाटा तैयार किया उस विच जात पात की कोई भी भावना नहीं सी, ना जात सी ते ना ही पात सी, कोई ऊंच नीच नहीं सी, सारे धर्मां नूं बराबर रख्या। इको रूप सरूप ते धर्म इको सांझीवालता दात अज खालसे दी, इको ही रूप इको ही सरूप ते इको ही धर्म, भाव ये नहीं है कि जिहड़ा कोई अमीर है उसनूं अलग बाणा दिता, नहीं, ना ही कोई अमीर नूं अलग बाणा सी बेटा, ते ना ही कोई गरीब नूं अलग बाणा सी, सारयां दा जिहड़ा सिक्खी दा सरूप है उह सेम रख्या गया सी, इक्को जिहा रख्या गया सी कि जो भी सिख होवेगा, जो अमृत छकेगा, उसनूं पंज कंकार पहनने जरूरी हन, चाहे वह अमीर है, चाहे वह गरीब है, चाहे वह किसी भी धर्म नाल संबंधित है।
इको ही स्वरूप है उहदा ते इको ही धर्म है। धर्म की है? इको सिख धर्म, एक ही सिख धर्म है ते एक ही स्वरूप है। उसका कोई अलग अलग जिहड़ा आकार है जां स्वरूप नहीं सी, एक ही बाणा सी, ओही कृपान कड़ा कशहरा केस। किसी भी धर्म नाल संबंधित बंदे नूं रखने जरूरी सन। सांझीवालता दाता जी खालसे दी तां जदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख धर्म की स्थापना की, बेटा सिख धर्म की जिहड़ी स्थापना गुरु गोबिंद सिंह जी ने की सी, कदों की सी? विसाखी वाले दिन 13 अप्रैल नूं विसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख धर्म की स्थापना की सी। तो उस समय जिहड़े सिख सी, खालसा सी, उह सारिआं नूं इक्को ही धर्म दित्ता सी, इक्को ही स्वरूप सी सारिआं दा, ते सारिआं विच सांझीवालता एकता की भावना जिहड़ी दात हुंदा बख्शिश की बख्शिया सी एक खालसे नूं कि तुहाडे विच सांझीवालता, तुहाडे विच धर्म के नाते कोई लड़ाई वितकरा नहीं होना चाहिए, सारे धर्मां दे लोकां नूं मिलजुल के रहना चाहिए है, किसी भी धर्म नाल लड़ाई नहीं करनी। सारिआं नूं की दित्ता सी? सांझीवालता का संदेश दित्ता सी कि खालसे का पहला करतब की है? सांझीवालता का, कि खालसे का जिहड़ा पहला करतब है वह भाईचारे की भावना है, सारिआं ने मिलजुल के रहना है, अपने धर्म की रक्षा करनी है, किसी भी धर्म दूजे धर्म के नाल लड़ाई नहीं करनी, सारे धर्मां का सत्कार करना है, किरत कमाई करनी है, दसां नहुं दी किरत कमाई करनी है, ते अपनी किरत कमाई विचों की कढ़ना है, दसवंध कढ़ना है।